और मेरे रहे आपके साथियों। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज आप तमाम के सामने वालिदैन की अजमत व अहमियत इस मौजू के तहत तकरीर पेश करूंगी इंशाअल्लाह, और उम्मीद करती हूं कि आप सब बाबा समाज फरमाएंगे। वालिदैन जिनके बगैर हमारा तसव्वुर भी नहीं, इनकी अजमत पर हम इस बात से लगा सकते हैं कि अगर रब्बुल आलमीन ने मां के कदमों के नीचे जन्नत रख दी और बाप को जन्नत का दरवाजा बना दिया। हदीस में है कि अल जन्नत तहता अक्दामिल उम्महात, मां के कदमों के नीचे जन्नत है, और अल वालिदु औसतु अक्वामिल जन्नत, बाप जन्नत के दरवाजे में से बीच का दरवाजा है। एक और हदीस में है कि अगर हम अपने माँ बाप को मोहब्बत व रहमत की निगाहों से देखें तो हमें एक मकबूल अजर का सवाब है। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मैंने अगर कोई दिन में 100 बार देखे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया से 100 हज का सवाब है। हदीस में एक और वाक्य का तस्करा हुआ है जहाँ एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मैंने अपनी माँ को मेरे कांधे पर बिठा कर मेरे वतन से मक्का ले आया और मैंने काबा का तवाफ करवाया और मैंने हज के फराइज पूरे किए। गोया मैंने हज किया, क्या मैंने अपनी माँ का बदला पूरा किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तुमने उनकी एक चीफ का भी बदला पूरा नहीं किया जो अल्लाह ने तुम्हारी मिलाल के वक्त अजीब से चुका था। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु वबिलवालिदैनि इहसाना, जिसके माने हैं कि तुम्हारे रब ने